के पुण्यार्थक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर छत्तीसगढ़, सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद, सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन दिल्ली, अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। आपके घर के बुढ़ेर पर बहुत सारे पक्षी चहचहाते हैं, लेकिन कोई काव 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 करता है तो आप क्या कहते हैं? कौवा काव काव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा जानवर काव काव करेगा, कौन सा जानवर भौंकेगा। और यदि आप लोग बैठे हैं और आपके भोजन के आसपास बार बार मक्खी आके घूमिला रही है और उसके पास में आपके कान पर आकर कोई एकदम से भू 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 करके चालू हो जाए तो आप क्या समझते हैं? कौन आ गया? भौरा आ गया। भौरा जो आता है ना, मक्खी तो भिन भिन करती है लेकिन भौरा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुत्ते को आप पहचान सकते हो उसके स्वभाव से, गाय को आप पहचान सकते हो उसके स्वभाव से, पक्षियों को आप पहचान सकते हो उनके स्वभाव से, भौरे को पहचान सकते हो उसके स्वभाव से, यहां तक कि आप सांप को पहचान सकते हो उसके स्वभाव से। लेकिन आज वर्तमान में इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। आज हमें यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा इंसान कौन से स्वभाव का है, क्योंकि इंसान की पहचान है ही नहीं। इंसान की जो पहचान थी वही थी इंसानियत, अच्छाई, सद्गुण। उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे करके इंसान ने वह सारी अच्छाइयां समाप्त कर दी, सारे सद्गुण समाप्त करिए, सारी जो अच्छी प्रवृत्ति थी उन सबको समाप्त कर दिया। तो इंसान को पहचाने कैसे? तो इंसान का जो स्वभाव होता है वह इंसान की पहचान करा देता है। तो हमारा स्वभाव बहुत तरीकों से होता है, लेकिन आज मैं आपके सामने चार प्रकार के स्वभाव के लोगों की बात करूंगा कि जो चार प्रकार के स्वभाव के लोग होते हैं वह किस तरह से होते हैं। तो पहले स्वभाव के लोग होते हैं आलसी स्वभाव। कौन से? आलसी। अलसी नहीं, अलसी का तो तेल होता है, अलसी का तेल होता है, लेकिन आलसी स्वभाव के लोग हुआ करते हैं। आलसी स्वभाव के लोग किस तरह से हुआ करते हैं? जैसे घर से चलते हैं हम लोग, घर में पांच लोग बैठे हुए हैं और पांच लोगों में एक व्यक्ति पानी मांग रहा है, दादा दादी माता पिता पानी मांग रहे हैं और पुत्र पुत्री बैठे हुए हैं, लेकिन उस बच्चे की आदत पड़ चुकी है आलस की, तो वह जल्दी से उठेगा नहीं। वह क्या सोचेगा? मेरी मम्मी उठ रही है कि नहीं, मेरी बहन उठ रही है कि नहीं, मेरा भाई उठ रहा है कि नहीं। ये क्या है? आलस का स्वभाव। और इस आलस के स्वभाव के कारण क्या होता है? बहुत सारा नुकसान जिंदगी में हो जाया करता है। आलसी इंसान, एक इंग्लिश में कहावत आती है, अर्ली टू बेड एंड ज्यादा नहीं, हाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, उसके आगे उससे आप हेल्दी बनोगे और पुष्ट बनोगे। क्या कहा कि अर्ली टू बेड मतलब क्या है? जल्दी सो जाओ। लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया? अर्ली टू बेड मतलब बिस्तर पे तो 9 बजे बैठ जाता है, क्या कर दिया? अर्ली टू बेड, वहां कहना चाहिए अर्ली टू बेड टू स्लीपिंग, वहां पर स्लीपिंग शब्द नहीं जोड़ा उन्होंने, अर्ली टू बेड कह दिया। तो क्या हुआ? वह बिस्तर पर बैठ जाता है 9 बजे का भी बिस्तर बैठ जाता है, लेटे लेटे टीवी देख रहा है, लेटे लेटे बैठे बैठे खा रहा है, बैठे बैठे पी रहा है। ध्यान रखना, आचार्य जी कल भी बताया था, फेवर बोलते हैं महाराज जी कि जहां पर सोते हो वहां पर खाना नहीं, जहां पर सोते हो वहां पर खाना नहीं, और जहां पर खाते हो वहां सोना नहीं। आप विचार करो, घर की महिलाएं जो गृहिणी हैं, खाना बनाते बनाते समय उसको झपकी आ जाए, फिर क्या होगा? मिर्च पता नहीं 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम पड़ जाए, और गलती से खाने के बाद में कह दिया मिर्च बहुत है, तो पता चले सारा दिन तक मिर्च ही नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आलसी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वही सोचता है कि कोई दूसरा काम करने, लेकिन ध्यान रखना हर व्यक्ति दूसरा तुम्हारा काम करता जाएगा, इससे आपके जीवन में आलस बढ़ता जाएगा और आलस से जीवन में बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं।
हमारे जीवन में आलस के कारण बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा आती हैं। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति आलस करते हैं वह अपनी असलियत को पहचान नहीं पाते। जिसको अपनी असलियत को पहचानना है उसको आलस को छोड़ना पड़ेगा, और जो आलसी होगा वह कभी असलियत को पहचान ही नहीं सकता। तो क्या करें, असलियत को पहचानने के लिए आलस को छोड़े। तो मैंने बताया चार तरह के लोगों की चर्चा करूंगा। तो पहले होते हैं आलसी स्वभाव के व्यक्ति, वह आलस में ही रहते हैं। आप यदि मंदिर में बैठे हो और आपने कहा किताब ला देना, वह जाके हिलने को तैयार नहीं है। वह क्या सोचेगा, मंदिर का कोई व्यक्ति आ जाए और वह किताब दे दे। एक बार ऐसे हो, एक जगह मंदिर में हम जब बाहर को निकलते हैं प्रवचन देके निकलते हैं तो बहुत सारे पंख की लाइट चलते रहते हैं। साधु महाराजों को इससे क्या मतलब, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन मन में आता है कहीं नल खुला है तो पानी बह रहा है, क्यों बह रहा है। तो मैं निकल रहा था, लाइट पंखे चल रहे थे, बाहर गया तो देखा कि पानी का नल कोई गलती से खुला छोड़ गया। यह खुला गलती से छोड़ गया, इसमें यह भी हो सकता है कि जब उसने चालू किया नल में पानी नहीं आ रहा था, पास में आ गया। तो मैंने उस एक पास में खड़े व्यक्ति से कहा कि भैया नल को बंद कर दो। उससे आवाज दी रामलाल, उससे आवाज दी रामलाल, आवाज नहीं आई। मैंने कहा भाई साहब नल को बंद कर दो। उससे आवाज दी रामलाल श्यामलाल कहां पर हो, जल्दी आओ। मुझे लगा तो अपने काम के लिए बुला रहा होगा, तो सामान अमल लेकर बुलाया होगा। मैंने कहा भाई नल को बंद कर लो। अरे बोले महाराज जी रुक तो जाओ। कहने लगा महाराज जी रुक तो जाओ, उसी के लिए तो नल को बंद करने के लिए तो आदमी को बुला रहा हूं। मैंने कहा हो गया कल्याण, ये आलसी स्वभाव की आदमी की आदत हो गई है कि वो रामलाल श्यामलाल किस किस को बुला रहा है, ये नहीं कि चुपचाप नल बंद कर दे। ध्यान रखिए आलस छोड़िए, इससे आपका भी फायदा होगा, देश का फायदा भी होगा, धर्म का फायदा भी होगा, राष्ट्र का फायदा भी होगा और परिवार का फायदा भी होगा। तो चार तरह के मनुष्यों की चर्चा चल रही है, चार तरह के स्वभाव के लोग हुआ करते हैं उनकी चर्चा चल रही है। पहला है आलसी स्वभाव का व्यक्ति, दूसरा है रोक टोक करने वाला व्यक्ति जिसको आप लोग कहते हैं टांग टांग खींचना, रोक टोक करना, टांग अड़ाना, टांग खींचना कि रोक टोक करने वाला कि आप अपने रेत रोज यहां पर आकर बैठकर पूजा कर रहे हैं। आजकल मंदिरों में, आजकल परिवार में लोगों को पता चल गया है कौन सा व्यक्ति क्या रोक टोक करने का। कई बार तो मैंने देखा है कि जब भगवान जी का व्यक्ति अभिषेक करते हैं तो वह जब कलश लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है मैं तो एक मानता हूं कि पहली बार जिसने कलश लेकर खड़ा हुआ है उल्टा भी होगा सीधा भी होगा कुछ भी होगा, आप उसको उस समय कुछ मत कहो, उसको अलग से समझाओ। और यदि आपने जोर से शांति धारा करते समय कह दिया अरे तुमने कलश कैसे खड़ा है, फिर क्या होगा, ऐसा हो जाए कि उल्टा ही नीचे गिर जाए, घबराहट में आदमी छोड़ देगा। तो क्या होता, कई लोगों की आदत पड़ ही गई है। यदि यहाँ पे चार लोग बैठे हुए हैं, मैंने अभी लाइट बंद करने की बात बताई थी आपको, यदि चार लोग बैठे हुए हैं और वही लाइट के प्रकाश में पड़ रहे हैं तो कोई आदमी आएगा लाइट वजह से दराज बंद करना चालू कर देगा। पूछिए क्यों बंद कर रहे हो, बोले खिड़की से प्रकाश नहीं आ रहा। तो दूसरा आदमी कहता है खिड़की से प्रकाश आ रहा होता तो मैं लाइट चालू करके क्यों बैठता। कई लोगों की आदत पड़ गई, लोगों की टोका टोकी करने की आदत पड़ गई है कि आप कुछ भी पढ़ोगे, आप कैसे भी पढ़ोगे, आप अच्छा पढ़ोगे बुरा पढ़ोगे आपको बोलेंगे। देखिए रोक टोक करने का अधिकार माता पिता को है, गुरु को है, शिक्षक को है, देश के राजा को, क्योंकि यदि यह रोक टोक नहीं करेंगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन बेकार में रोक टोक करते रहना यह बिल्कुल गलत चीज है। आज हम लोग देखते हैं कुछ लोग की आदत होती है कि आप कुछ भी कर लो कुछ भी समझ लो वह टांग खींचेगी। आप लोग कहते ना कई बार कि महाराज जी वही इंसान मेरी टांग बहुत खींचता है, तो पहले तो मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ और फिर उस व्यक्ति को देखता हूँ। ये सब क्या मुहावरे बन गए कि टांग अड़ाना टांग खींचना। आज तक टांग अड़ाना मतलब क्या है, टांग अड़ाना मतलब तो मैं समझता हूँ कि आप रस्ते में चल रहे हो किसी ने पैर लगा दिया हो तो टांग अड़ा दो इसको कहते हैं। टांग खींचना मतलब आप कोई टांग को खींच रहा है। आज तक किसी ने कभी टांग को खींची क्या, नहीं खींची, लेकिन कहते टांग खींच रहा है, मतलब कोई आप आगे काम करना चाहते हो उसमें रुकावट को डाल रहा है। पहला आलसी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, दूसरा रोक टोक वाले टांग खींचने वाले टांग अड़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। टांग खींचने में तो आज सारा संसार माहिर है, रोक टोक करना छोड़ सकता है, टांग अड़ाना छोड़ सकता है, लेकिन टांग खींचना इंसान छोड़ ही नहीं सकता। टांग के जरूरी नहीं कि टांग खींचे तो टांग खींचा कहलाएगा, बल्कि क्या करेगा, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें अंतराय होती है,
उसमें गति उत्पन्न करके टांग खींचने का प्रयास करें। एक बार एक मछुआरा, मछुआरे का स्वभाव क्या होता है, मछुआरे का स्वभाव क्या होता है बताइए भाई। मैं पूछूं व्यापारी का स्वभाव क्या होता है तो बोलोगे दुकान में बैठना। रसोई के स्वभाव क्या होता है, रोटी बनाना। तो उसी प्रकार से मछुआरे का स्वभाव क्या है, मछली को पकड़ना। मछली पकड़ने से एक बात याद आती है, बहुत सारे हमारे जैनी भाई लोग हैं ये अपने घर में सुंदरता के लिए क्या करते हैं, पानी में मछली को भर के रख देते हैं। ये भी बहुत पाप का बंध है, इसको नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई जैनी भाई, कोई आपके अजय मित्र भी काम करते हैं, उनको रोकिए कि ऐसा मत करो, क्योंकि मछली जो है कितना, मछली पानी में ही सोखती है, मछली तालाब में ही सोखती है, उसके बाद तालाब भर के मर जाती है। तो मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल को डाला। ये बात मैं कथानक है इसलिए समझा रहा हूं, नहीं तो मछली और इस सब की बातें करना ठीक नहीं। तो उसने जाल को डाला तो उस जाल में मछली भी आती थी और केकड़े भी आ जाएंगे। उस जाल के अंदर मछली भी आती थी और साथ साथ में केकड़े भी आ जाया करते थे। पानी में केकड़ा भी होता है, पानी में केकड़ा होता है, केकड़ा समझते हो, पानी में केकड़ा भी होता है, बिच्छू भी होता है, सांप भी होता है, मछली भी होता है। तो कहानी है, कोई भी आ सकता है उसको। तो केकड़ा भी आता था और मछली भी आती थी। तो जो मछुआरा था वो मछली को तो लेता और अच्छे से डिब्बे में बंद कर रखता, लेकिन केकड़ों को डिब्बे के अंदर बंद नहीं करता, रख के ढक्कन बंद नहीं करता। तो एक बार उसके मित्र ने पूछा कि भाई तुम मछली को ढक्कन बंद करके रखते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, लेकिन केकड़े को बंद क्यों नहीं करते। कहने लगा भाई मछली कभी भी बाहर जाकर उछल कूद करके जा सकती है। बोले तो केकड़ा भी जा सकता है। बोले केकड़ा कभी नहीं जा सकता। बोले क्यों। बोले कि केकड़े की आदत है कि यदि इनका केकड़ा एक बाहर जाने को तैयार होगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचकर उसको नीचे गिरा देगा। केकड़ा स्वभाव के लोग होते, केकड़े स्वभाव के लोग होते हैं कि उनको क्या करना है, किसी की बढ़ती दिखती नहीं। अरे आप ये सोचिए, बढ़ती को देखकर जलने का प्रयास मत करें, बढ़ती को देखकर क्या करें, बढ़ती को देखकर सीखने का प्रयास करें कि आज उस व्यक्ति ने यह काम सफल किया है, मैं भी अंदर अपनी योग्यता को प्रकट करूं, मैं भी अपने अंदर योग्यता को लाऊं, और इससे क्या होगा कि मेरा भी जीवन में बदलाव आए। तो पहला कौन सा है, आलसी स्वभाव का व्यक्ति। दूसरा रोक टोक करने वाला, टांग अड़ाने वाला और टांग खींचने वाला व्यक्ति। तीसरा होता है मिलनसार स्वभाव का। कौन सा, मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति। मिलनसार कैसा होता है, मिलनसार ऐसा होता है कि आप किसी मंदिर में आप बैठकर पूजा कर रहे हो और उस समय कोई व्यक्ति आए महाराज जी के दर्शन किए और उसने आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, आप उसको नहीं जानते, तो आप मुझे बताइए कि पूरी पूजा में आपके मन में क्या बात आएगी, बताइए क्या बात आएगी। पूरी पूजा करते करते मन में क्या बात आई, कितना अच्छा व्यक्ति है। और आप ये सोचोगे कि इस व्यक्ति से मैं कहां मिला था, आप ये दिमाग लगाओगे इस व्यक्ति से मैंने कहां मिला था, इससे मेरी क्या रिश्तेदारी। मिलनसार तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं, आप मंदिर में दर्शन करने आ रहे हो और आपके हाथ में चावल नहीं है, कोई आपको बुलाएगा भाई इधर आओ, अपनी प्लेट में से सामग्री आपको देगा और चलाने के लिए प्रयास करेगा। अभी वर्तमान की व्यवस्था दूसरी है, अभी वर्तमान की व्यवस्था दूसरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिलनसार व्यक्ति ऐसा होता है जिस तरह से दूध में मिलती है, दूध में मिलता है बताइए, अरे कुछ तो बोलिए, हाँ दूध में मिलता है तो बोलेंगे पानी, पानी को तो छाट के अलग कर दिया जाएगा, लेकिन दूध में यदि शक्कर मिल जाती है तो शक्कर को आज तक दूध से छाटने की कोई मशीन नहीं मिली। इसी तरह से मिलनसार व्यक्ति वह होता है जो सबसे प्रेम का भाव रखता है, सब में घुल जाता है, सब में मिल जाता है, सबके अंदर मिठास करते हैं। बहुत सारे लोग होते ना, आप लोग बोलते बड़ा फ्रेंड, ऐसे कहते ना क्या होते हैं, बड़ा फ्रेंडली नेचर का है, बड़ा फ्रेंडली नेचर का है, बड़ा बैड नेचर का है, तरह तरह की बातें बोलते हो, तो बड़ा स्वीट नेचर का है। तो ध्यान रखिएगा, आलसी जो लोग होते ना उनके जीवन में बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानियां होती हैं, वह कभी काम करना ही नहीं चाहते और करेंगे भी तो अनमने मन से करेंगे कि आधा काम खराब कर देंगे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा ने
एक संत ने, बाहर बारिश हो रही थी तो सोचा कि अपने जो शिष्य है उसको कहूं कि दरवाजा बंद कर लो। तो उनको पता था ये बहुत आलसी स्वभाव है, दरवाजा बंद करने नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो जरा देख के आओ बाहर बारिश हो रही है क्या, देखो जरा देख कर आओ बाहर बारिश हो रही है क्या। तो इतने में वहां से बाहर से बिल्ली भागती हुई आई, बिल्ली भागती हुई आई। तो उन्होंने क्या किया, उस शिष्य ने बिल्ली के शरीर पर हाथ फेरा, हाथ कहने लगे गुरु जी बाहर बारिश हो रही है। बोले तुझे कैसे पता, बोले बिल्ली भागती आई है ना इसके शरीर पर पानी है मतलब बारिश हो रही है। इतने में अब वो क्या करें, अब वो सीधा नहीं बोलना चाहते थे, उसने देख बोले एक बार जाके जाओ देख के आओ, अच्छा एक काम करो जाओ बाहर जाकर देखते रहो, देखते हवा चल रही है क्या। अरे बोले जाओ देखते आओ ना देखते हवा चल रही है क्या। तो उसने अपने पड़ोसी को देखा, वो एक कंबल ओढ़कर सो रहा था। हाँ बोले महात्मा जी बाहर देखते हवा चल रही है। बोले क्यों, बोले ये मेरा पड़ोसी कंबल ओढ़ के सो रहा है, हवा चल रही है तो कंबल ओढ़ के सोएगा। तो गुरु ने कहा ये आपको मानने वाला नहीं। उन्होंने कहा भैया एक काम करो बारिश आ रही है हवा आ रही है तो तुम जाकर आश्रम की खिड़की दरवाजे बंद कर लो। तो उसने जवाब दिया दो काम तो मैंने कर लिए, एक काम तो आप कर लो ना। दो काम तो मैंने कर लिए कि मैं बारिश भी देखकर आ गया, मैं हवा भी देखकर आ गया, खिड़की दरवाजे आप बंद कर लो। तो ये आलसी स्वभाव के लोग हुआ करते। तो मैंने आपको बताया आलसी स्वभाव का व्यक्ति, रोक टोक करने वाला व्यक्ति, तीसरा कौन सा बताया, कौन सा बताया, तीसरा मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति, और चौथा